लिए सर, आपका हम पर हमेशा ऐसे ही कृपा रहे, दया रहे और दुआ रहे, तो हम अपने आपके जो कहे वाक्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा करेंगे, संकल्प करते हैं इस बात का। मैं इसी के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ मिस्टर पी के कपूर सर जी को, मेरे प्यारे अंकल जी को, कि वो दो शब्द कह के हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दो शब्दों में आशीर्वाद देने का मतलब है मैंने आशीर्वाद दिया, आप फलो, ये दो शब्द मैंने कहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए के सिन्हा जी से आमंत्रित करती हूँ कि वो हमें अपने दो शब्द कह के आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने कंप्यूटर सीखने की अपनी लालसा को पूरी की, यहाँ माहौल बहुत अच्छा लगा और लोगों का सहयोग पूरा मिला, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं इसी के साथ हमारे बीच आए हमारे अतिथि डॉक्टर दौलतराम जी से अनुग्रह करते हैं कि वो हमें दो शब्द कहकर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं इंस्टीट्यूट के मैन चेयरमैन भाई एम ए खान जी, जो मेरी अखिल भारतीय जन सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। फिर फोन पर भी ये देखा उन्होंने कि इनको कोई सूचना मिली या नहीं, तो उन्होंने आपने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं अपना समय निकाल करके ज़रूर उपस्थित हूँगा। यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कंप्यूटर की अच्छी शिक्षा, और मैं जानता हूँ आगरे में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और इस युग में कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत भी है। जो अच्छी से अच्छी शिक्षा कंप्यूटर में प्राप्त करते हैं, आज हर जगह सर्विस या के कहीं दे दीजिए, बिजनेस में दे दीजिए, कंप्यूटर की जितनी आवश्यकता है। आई टी कॉम जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें बड़ी मदद कर रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ के स्टाफ और बच्चों को यही, इन बच्चों से आशा है कि ये भारत का भविष्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त करेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ इस इंस्टीट्यूट का नाम करेंगे। साथ ही स्टाफ से भी मेरा अनुरोध है कि हर साल जो भी बच्चा यहाँ से जाए उसको ऐसा करके भेजे जैसे कोई जब आपके पास आता है, जैसे घर में खाना खाने के बाद बर्तन आता है तो बिल्कुल वैसा होता है, लेकिन मांस हो करके उसको ऐसा कर दिया जाता है जैसे चमकने लगता है और ठीक है। इसी तरह से यहाँ जो बच्चा आता है वो केवल शिक्षा करके आता है और यहाँ से उसको बनाने का काम आपका रह जाता है। आप अच्छी से अच्छी कंप्यूटर की शिक्षा दे के भेजेंगे, उसमें आपका नाम होगा। ये मेरा स्टाफ से अनुरोध है कि ऐसी अच्छी अपनी ओर से ऐसी ही शिक्षा देते रहें कि जिससे ये बच्चे जा करके भारत में जहाँ भी नौकरी करें वो नाम करें। इसी मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरह से ये इंस्टीट्यूट अपना नाम करता रहे। बस धन्यवाद सर, हम आपके जो कहे शब्द हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और प्रयत्नशील रहेंगे। मैं इसी के साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जी से अनुग्रह करती हूँ कि वो दो शब्द कह के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय IT.com के अध्यक्ष, चेयरमैन, मैनेजर, शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि मैं भी इसी इंस्टीट्यूट का न्यूली एडेड स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारा जहाँ तक ख्याल है हमारे देश में कैपिटल लाने का श्रेय हमारे देश के युवा स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी इतने एंशियस रहते थे कि हर क्षेत्र में हमारा देश भी अमेरिका हो, जर्मनी हो, जो रूस की तरह से एडवांस बने, और उन्हीं के ज़माने से ये कंप्यूटर से रेलवे का जो रिजर्वेशन है उन्हीं ने स्टार्ट किया था। उस समय जब शुरू से आगरा आया था मैं डॉक्टर पारिका सर्विस करता था, और उस समय दिल्ली से इंटरलाइंस की फ्लाइट आया करती थी आगरा में। उस समय उनके कई कुलीग
जो हमारे यहाँ पेशेंट थे वो आया करते थे, राजीव गांधी आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी। उस समय उनकी माँ प्रधानमंत्री थी, तो एक्चुअली युवा प्रधानमंत्री हमारे ये चाहते थे कि हमारे देश में उसी तरह से तरक्की करे जैसे और देश कहते हैं। उनका कहना ये था कि हमारे देश का छोटे से धागे का छोटा सिपाही भी हमें चाहते उसको जीप चलानी आती हो, क्योंकि इमरजेंसी में कभी दरोगा जी को ऐसी चीज को कहीं जाना है, ड्राइवर बीमार नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि वो सिपाही को भी जीप चलानी आनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो इसमें एडमिशन लिया है, एक्चुअली हमारे यहाँ कई सालों से पूरा सॉफ्टवेयर मेडिसिन में अवेलेबल है, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन में डील करता हूँ, इसीलिए दो तीन स्टूडेंट हमारे पेशेंट भी हैं, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने यहाँ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। मैं कहाँ लिया है बेटे? तो वो आपको अपना बाउचर देके गए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अरे साहब आपका तो एडमिशन फौरन हो जाएगा, टेस्ट वेस्ट देते हैं नहीं, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, आपको तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से जब मैं आया और यहाँ खान साहब डायरेक्टर साहब से मिला, तो उनसे मिलकर मेरी तबीयत खुश हुई, बहुत बड़े आदमी है कि आप डॉक्टर कल से आ जाइए। और सबसे खुशी की बात है कि बच्चे ने बोला कि तीन दिन यहाँ डेमो प्रदर्शन है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, बल्कि औरों के आप एडवांस पहले फीस लेते हैं उसके बाद अंदर घुसने देते हैं, क्योंकि उनको मेरे को बहुत खुशी हुई। और वो बच्चा सामने खड़ा हुआ जिसने मेरे को बोला था। तो इस तरह से मैं भी ये चाहता हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं और कंटिन्यू रखूँ, मैं और आगे तक पढ़ता रहूँगा, कोशिश ये करूँगा, भगवान ये चाहे कि इंस्टीट्यूट दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तरक्की करे। मेरी यही शुभकामना है यहाँ के सभी स्टाफ को, चेयरमैन को, फैकल्टी को, मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर कुछ सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर और आप अपना टाइम दे दीजिए हमें, इसके इस प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले यहाँ सभी ऑडियंस और हमारे बीच जो अतिथि हैं मैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम समय समय पर कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, और इस बार भी हमने कुछ तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है ताकि बच्चा अपनी किस्मत हर क्षेत्र में आजमा सके। केवल कहना कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो इससे संपूर्णता नहीं होती, हमारा मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट को ऑलराउंडर बनाना। ऑलराउंडर बनाने से मतलब उनकी अंदर छुपी प्रतिभाओं को उजागर करना और उनमें आत्मविश्वास भरना कि अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, हमने 14 जून, 21 जून और 28 जून को कुछ कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। उसमें 14 जून को हमने ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। 21 जून को हमने जीके कॉम्पिटिशन का और स्पीच कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था, और 28 को हमने चेस कॉम्पिटिशन और डांस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। उसमें कुछ विजेता बच्चे जो हैं उनको अब हम अपनी तरफ से कुछ आशीर्वाद के रूप में, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच आए मुख्य